आपको पता है कल जो है फिल्म टाइगर 3 जो है स्टार गोल्ड पे आ रही थी और उसको लेकर सोशल मीडिया पे सलमान खान के फैंस जबरदस्त चला रहे थे और टाइगर 3 के बारे में बता रहे थे। उस पर कई लोग जो है टाइगर 3 को ट्रोल कर रहे थे और ये बोल रहे थे इसने वो परफॉर्मेंस नहीं की जैसे इससे उम्मीद रख रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। बहुत लोगों में शुरू से बोल चुका हूं एक चीज पे पड़ा था कि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो बहुत ही गलत दिखाया गया, खराब दिखाया गया। जो भी ये बात बोलता मैं 100% बता देता हूं उसकी सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसकी सोच से एग्री नहीं करता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो जिसने भी ये चीज बोली है वो सलमान खान का फैन है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो सबको लेकर चलते हैं और उनकी फिल्में जो होती हैं वो प्यार और मोहब्बत का संदेश देती हैं। वो क्या सोचते हैं ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। हम तो जानते हैं सलमान खान की फिल्में होंगी उसमें मोहब्बत प्यार हर लोगों के लिए दिखाया जाएगा, ऐसा ही टाइगर 3 में दिखाया गया था। टाइगर 3 के जो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर कुछ भी हो, लेकिन चलती तो अपने भाई की है यार, बॉस की, सलमान भाई की। सलमान खान अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते, जो शुरू से करते आए उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, फिल्में चले चाहे ना चले। सलमान खान ने खुद कह दिया था कि जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरी फिल्में अब नहीं चलती हैं उस दिन फिल्में करना बंद कर दूंगा, लेकिन जो करूंगा अपने मन से करूंगा, जो जिस चीज को मैं फॉलो करते आया हूं 35 सालों से वही चीज करूंगा। और वही चीजें टाइगर 3 में दिखाई गई हैं, मतलब एक अच्छा पैगाम दिया गया, अब तुम्हारी मेंटालिटी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, उसको तुम गलत तरीके से ले जाओ। और एक चीज मैं बोल दूं, अगर इस फिल्म के एक्टर सलमान खान ना होते तो इसका क्लाइमेक्स कुछ और होता, लेकिन ये सलमान खान की फिल्म थी इसलिए क्लाइमेक्स में मोहब्बत प्यार हर तरफ दिखाया गया। आपको पता है बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी तो आपको पता है हिंदुस्तान ने जितना प्यार दिया था उतना ही प्यार पाकिस्तान वालों ने भी दिया था, मतलब इतनी कमाल की फिल्म थी बजरंगी भाईजान। दोनों तरफ से अच्छी चीजें दिखाई थी, मोहब्बत प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और सलमान खान हर चीज को मानते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं। वो अपने उसमें बोलते हैं मैं एक इंसान हूं, मेरा कास्ट ये नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं कि हिंदू हूं कि सिख ईसाई हूं, मैं इंसान हूं। वो हर लोगों को प्यार मोहब्बत करते हैं, हर लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी फिल्म से आप यही उम्मीद कर सकते हो। अगर आप ये चीज को नहीं मानते तो आप सलमान खान के फैन है ही नहीं, समझ लो। अब इसको कोई लोग ये बोलकर अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर 3 इसलिए फ्लॉप हो गई या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरीके से करना चाहिए, उसका मेन रीजन था इसका क्लाइमेक्स ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये उनकी सोच है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। उनकी गलत सोच के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं इतना जानता हूं टाइगर 3 एक कमाल की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ऐसी फिल्म बहुत कम बनेगी, ऐसी फिल्म शायद ही कभी बनेगी। वो कमाल की फिल्म थी, मतलब एक अच्छी चीज दिखाई गई थी जो हिंदुस्तान की तरफ से नजर से देखोगे बहुत प्यारी चीज दिखाई गई थी हमारे हिंदुस्तान की तरफ से। आई लव इंडिया और यही चीज दिखाया गया था कि इंडिया इज ग्रेट, वो सबके लिए सोचता है, गलत चीज नहीं सोचता, गलत चीज से समझौता हिंदुस्तान नहीं करता, यही फिल्म में दिखाया गया था। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।